बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने इस बार गया की इमामगंज सीट से खुद ताल ठोक दी है। एनडीए में वापस लौटे जीतन राम मांझी की पार्टी की साख पहले फेज में ही दांव पर है। 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हम पार्टी के सुप्रीमो की संपत्ति की बात करें तो 5 साल में गरीब हो गए हैं जीतन राम मांझी। दरअसल नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त जीतन राम मांझी ने जो जानकारी दी है उसमें उनकी संपत्ति 5 साल में 18,61,000 रुपए कम हो गई है। अब आपको 2015 और 2020 में दिए हलफनामे की जानकारी के आधार पर बताते हैं कि जीतन राम मांझी की संपत्ति अभी कितनी है। जीतन राम मांझी के पास नकद 40,500 रुपए हैं, तो वहीं 2015 में 2.5 लाख रुपए हुआ करते थे। बैंक बैलेंस 2020 में जहां 15,28,000 रुपए है, वहीं 2015 में 27,17,000 रुपए हुआ करती थी। गाड़ी के नाम पर जीतन राम मांझी के पास अम्बेसडर कार और स्कॉर्पियो है, 2015 में भी यही थी। इतना ही नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के पास 2 बंदूक भी है, 1 दो नाली बंदूक और 1.315 बोर का राइफल। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पिछले 5 सालों में जीतन राम मांझी गाय भी पालने लगे हैं, जबकि 2015 में उनके पास एक भी मवेशी नहीं था। कुल चल संपत्ति की बात करें तो ये 2015 में 36,42,000 रुपए थी, जो घटकर 24,24,000 रुपए हो गई है। वहीं अचल संपत्ति की बात करें तो महनार में एक पुश्तैनी घर है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए है। जीतन राम मांझी की 2015 में कुल संपत्ति 62,99,000 थी, जो अब सिर्फ 44,38,000 रुपए रह गई है। नामांकन के वक्त प्रत्याशी को अपनी पत्नी की भी संपत्ति बतानी होती है। हम आपको बताते हैं कि जीतन राम मांझी की पत्नी शांति देवी की संपत्ति फिलहाल कितनी है और 2015 के मुकाबले कम हुई है या ज्यादा हुई है। नकद के नाम पर 2015 में जहां 50,000 रुपए थे, वहीं अब सिर्फ 48,000 रुपए रह गए हैं। साथ ही बैंक बैलेंस भी 2015 के मुकाबले काफी कम हो गया है, 8,87,000 रुपए घटकर अब बैंक में सिर्फ 3 लाख ही रुपए रह गए हैं। वहीं गहनों की बात करें तो शांति देवी के पास गोल्ड ज्वेलरी 4 लाख की है, तो चांदी 1 किलो की। कुल चल अचल संपत्ति की बात करें तो जीतन राम मांझी की पत्नी भी गरीब हो गई हैं। 2015 में संपत्ति 12,27,000 रुपए थी, जो घटकर अब मात्र 8,14,000 रुपए हो गई है। आपको ये भी बता दें कि 2015 में जीतन राम मांझी के ऊपर एक भी आपराधिक मामला नहीं था, किंतु इस बार उन पर 6 केस चल रहे हैं, सभी केस गया में दर्ज हैं। मांझी के एफिडेविट के मुताबिक उन पर साल 2014 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त आचार संहिता उल्लंघन के भी 2 मामले दर्ज हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दूसरी बार इमामगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला पूर्व स्पीकर और 3 बार विधायक रह चुके उदय नारायण चौधरी से है। पिछले बार उदय नारायण चौधरी को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शिकस्त दी थी। इस बार समीकरण नया है, देखना होगा कि मांझी विधानसभा का रास्ता तय कर पाते हैं या नहीं। बिहार तक की रिपोर्ट।